नालागढ़ में विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का अधिवेशन, सीएम जयराम ने किया संबोधन, कहा 2 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है पेंशन का लाभ। सिरमौर में रखी गई हॉकी एस्ट्रोफ का आधारशिला, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रखी आधारशिला, कहा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सरकार प्रयासरत। सीएम जयराम ने की पुलिस भर्ती परीक्षा फिर रद्द करने की घोषणा, कांग्रेस नेता कौलल सिंह ने जताई नाराजगी, कहा बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। शिमला में संगठन को मजबूत कर रही बीजेपी, बीजेपी मीडिया वर्ग की कार्यशाला का आयोजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जरूरी दिए टिप्स। और शिमला में कांग्रेस ने जलाए खालिस्तानी झंडे, एनआईए से की जांच की मांग, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विकास के लाभ जन जन तक पहुंचाने और कार्यकारिणी नीति के क्रियान्वयन में प्रवेश की कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल में बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक कर्मचारी और इतनी ही संख्या में पेंशन भोगी है। उन्होंने कहा है कि 44,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवा दे रहे हैं। उनका समाधान समय समय पर हम करने की कोशिश करते थे। हम ये पत्रिका के मिशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बेहतर ढंग से कोशिश की, पूरी अपॉर्चुनिटीज दी हमने कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने की। अगर कहीं किसी को लगता है कि कहीं किसी का कोई इश्यू रह जाता तो निर्वाचित रह जाते हैं, हमने अधिकारियों को कहा कि उनकी बात सुनिए, सुनकर के उनकी बात का समाधान क्या हो सकता है उसको सुनिए। हमने कोविड के संकट में भी इस बात को सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में विलंब नहीं होना चाहिए, और एक दिन का विलंब नहीं किया हमने हिमाचल प्रदेश के। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कर्मचारियों की सैलरी पर कट था, जहां कर्मचारियों की सैलरी डिले। मैं आंध्र प्रदेश में जाता हूं, गया था, 20 तारीख के बाद कर्मचारियों की सैलरी मिलती है। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन कांग्रेसियों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के सरोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीते 4.5 सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में ना कुछ देने की कोशिश की है। हो रहा है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप सब सबके बीच में आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमने विकास करने की कोशिश की। कई लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, मैं उनके बारे में अब कुछ नहीं कहना, सब जिनको बोलना ही यही है कि कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं मजाक कर रहा था, मैं कुछ तो हुआ होगा, बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आपको वैक्सीन लगाई आपने, बोलते वैक्सीन लगा दी, बोलते हमने, आप लोगों ने तो लगाई, बच्चों ने भी लगा दी ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मुखखोर बना रहे हैं आप लोगों को, अगर हम इस देश की और इस प्रदेश की माता और बहनों के लिए मदद के लिए आगे आकर के सहयोग करने के लिए आगे आकर के उनके लिए उनके साथ खड़े हो रहे हैं, अगर उनका आधा किराया हम माफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आने वाले समय में उनसे ये जवाब पूछना चाहिए।
केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री ने सिरमौर में माजरा के हॉकी एस्ट्रोट्रॉफ की आधारशिला रखी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। खेल के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करवाने में संकल्प है। भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर बने, अलग अलग जिलों में खेलों की सुविधाएं बने और जिस जिले में जिस खेल की प्रतिभा है और वहां पर उस तरह का आधारभूत ढांचा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खेल मैदान चाहिए, वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कोचिज की कमी ना रहे, हमने 450 कोच पिछले लगभग एक वर्ष में देश में रखे हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कैसे हम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। दूसरा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम के माध्यम से जो एलीट खिलाड़ी हैं हम उनका इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग, ट्रेनिंग, उनके रहने, उनके भोजन, यहां तक कि उनकी जेब खर्च भी 6 लाख रुपया साल का उनको देते हैं। इसके अलावा जो जूनियर एथलीट हैं हम उनके ऊपर भी लगभग 144 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, यह काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने भी चिंता भी आपको बता दी थी कि प्रदेश सरकार ने जितनी भी भर्ती करवाई है उसमें ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनके काम करने का तरीका नहीं पता लग रहा है। जहां जहां ये रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं वहां वहां पेपर लीक हो रहे हैं और ये कैंसिल किए जा रहे हैं। पिछली अवस्थाई तारीख को जीआईओ के एग्जामिनेशन हुए, सबोर्डिनेट सेक्शन बोर्ड ने लिए, उसमें भी कितनी धांधली हुई, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद कांगड़ा में लीक हुआ, यहां भी लीक हुआ और भी अब शंका के घेरे में है। आगामी विधानसभा चुनावों में मद्देनजर बीजेपी संगठन को मजबूत करने जा रही है। इसी चरण में आज बीजेपी ने शिमला में एक दिवसीय बीजेपी मीडिया वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी प्रवक्ता, मीडिया प्रभारियों और सप्रभारी सहित अन्य को टिप्स दिए हैं। मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की भूमिका क्या क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। संगठन का विषय रहेगा जो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी रहेंगे और उसके बाद आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, उनको किस तरह से उठाना है, वो विषय मैं मुख्य प्रवक्ता के नाते सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखूंगा और अंत में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस कार्यशाला का समापन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है कि हमने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है उसमें हमारे मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की जो भूमिका रहनी है उसके लिए हम उनको पूरी तरह से तैयार कर। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा के परिसर में खालिस्तानी झंडे पोस्टर लगाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है जिसमें कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। आज जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश का विधानसभा, जहां पर हिमाचल प्रदेश की आवाम अपनी जनता को, अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है, वहां पे जिस तरीके की हरकत आज धर्मशाला के अंदर वहां के विधानसभा सत्र के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाकर वहां पे की गई है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के तपोवन विधानसभा के बाहर लगे खालिस्तानी बैनर और पोस्टर के चलते हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के साथ ही लगती सभी सीमाओं पर हर आने वाले जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है, साथ ही आंतरिक सुरक्षा एजेंसी को भी अलर्ट किया गया है।
अभी तक एसएटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर कोई बात करना मुझे लगता है ऐसे भी उचित नहीं है। थोड़ा हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको ढूंढें और ढूंढ करके जो कार्यवाही उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जा सकती है वो करेंगे। हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है सर, क्या है, किस तरह की चीजें? देखिए, हाई अलर्ट हमारे स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट है, वहां से लोगों का आना जाना जिस प्रकार से होता है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो झंडे या कुछ इस तरह की सामग्री जो लोग ला रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ये हिमाचल के अंदर से नहीं हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई लोग इस प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बॉर्डर पर चेक करना और थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाने की बात तो उसमें जरूर हुई। लेकिन आज नहीं, मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि अभी हमें उसमें काम करना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कुछ न कुछ निश्चित रूप से। धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा परिसर के गेट के बाहर खालिस्तानी के झंडे लगने के मामले आने के बाद से पंजाब से सटे बॉर्डरों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। सोमवार को बद्दी बेरोटी वाला नालागढ़ के तहत पंजाब और हरियाणा बॉर्डर की लगने वाली सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला है। देखिए, जो भी अभी रिसेंटली खालिस्तान मूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उसके बारे में हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उन्होंने नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो इशू किए हैं, हमें उन सारी डायरेक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। बॉर्डर को सिक्योरिटी रैपअप करने के लिए डायरेक्शंस हैं वो फॉलो की जा रही हैं। होटल्स हैं और बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को कोऑर्डिनेशन कमेटी के उपाध्यक्ष और आपको बता दें कि स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य सुरेश चंदेल ने महंगाई को लेकर राज्य की जयराम सरकार को जमकर घेरा है। चंदेल ने कहा है, आरोप लगाया है कि खाद्य वस्तुओं और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आमजनों की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे आमजन बहुत दुखी है, परेशान है और सरकार पूरी तरह से लाचार दिख रही है। सीमेंट, सरिया और इनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम आदमी का, और गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उससे आम आदमी का जीना दुभर हुआ है। सीमेंट के कीमतें बढ़ने से सरकार अपनी लाचारी दिखाती है। मैंने ये निवेदन करूंगा कि सरकार लाचारी ना दिखाए अपितु लेजिस्लेशन बनाए, कानून बनाए विधानसभा में। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।